हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम आपको जो है सारे आपके जो है बोर्ड लेवल एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवा रहे हैं, ठीक है। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम जोर शोर से लगी हुई है आपके प्रॉपर लेक्चर्स लेने के लिए, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप सिंपली जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां से आप हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल चेकआउट कर सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं, पहले आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, और फिर वहां पे जाके आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना होगा। फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06। जैसे ही आप यहां पर इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करेंगे, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि आने वाला है, काफी अच्छा मटेरियल है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर आपके लिए पुट किए गए हैं, तो आप क्या कीजिए, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको कहाँ जाना है, talkingtextbooks.in पे, और यहां पर जैसे ही आप जाएंगे, आप वहां पे स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाएंगे, उसके अंदर आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो है पैकेजेस। और वहां पे जैसे ही आप चूज करते हैं फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आप जो है आपको दो तरीके के पैकेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक आपको मिलेगा क्या, जैसे कि फुल कोर्स जिसके अंदर है, यानी कि फुल कोर्स स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, और एक जो है उसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज। अगर आपको जो है आपकी थ्योरी कंप्लीट है ना, आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है, तो आप कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जा सकते हैं, जिसके अंदर जो है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके लिए होंगे, बाई वीकली क्विजेज आपके लिए होंगे, और जो है YouTube पे, यानी कि हमारी लाइव जो क्लासेस हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, वो भी आपको जो है मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहते हैं, हमारा जो है पर्सनल टच चाहते हैं, होमवर्क सबमिशन जो आपको उसके अंदर करना होगा, हम आपको होमवर्क दिया करेंगे, और आपको जो है होमवर्क कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है, ठीक है, तो आप सिंपली जो है इस वाले पैकेज के लिए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ जो है कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल और होमवर्क सबमिशन की सुविधा, यानी कि होमवर्क चेकिंग की सुविधा भी आपको दी जा रही है, ओके। तो आप सिंपली इसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके जो है एक्सेस कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाते हैं कहाँ, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाके देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट फ्रॉम कूपन, ठीक है, आपको डिस्काउंट दिख रहा है किससे, कूपन के साथ। और वो आपको क्या अप्लाई करना होगा, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं AM Live, आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। जी हाँ, अभी भी जो है ये ऑफर अभी तक बना हुआ है, एज इट इज 30% ऑफर आपको मिलेगा अभी भी अगर आप अप्लाई करते हैं क्या, AM Live, ठीक है। तो आप सिंपली जो है इसे यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और थ्रू योर नेट बैंकिंग, ठीक है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, कुछ सवालात हैं, कुछ मन में शंका है, तो आप जो है इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है, हमारे बारे में कुछ जानना है, या फिर वेबसाइट के बारे में, या फिर टेलीग्राम से संबंधित, ठीक है, तो आप सिंपली इन नंबर्स पे कॉल करके जो है पूछ सकते हैं, ओके। नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए जल्दी से, 9549041111, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, चलिए नंबर नोट किया आपने, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है हम क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, और कार्डिनल प्रॉमिस करना क्यों जरूरी है, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट,
जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ओके तो स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए, ठीक है, नोट्स ले लीजिए। आज हम करने जा रहे हैं किसका रिवीजन करने जा रहे हैं, मटेरियल ऑफ आवर डेली यूज, ठीक है। हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, मटेरियल ऑफ डेली यूज यानी कि फाइबर टू फैब्रिक, और उसके अंदर आज हमारा सिक्स लेक्चर है जिसके अंदर हम उस पूरे चैप्टर का रिविजन करेंगे, ठीक है। लेक्चर्स हमने फिनिश कर दिए हैं, फाइव लेक्चर्स के अंदर उस चैप्टर को फिनिश कर दिया है। आज जल्दी से देख लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए, है ना, कुछ भूल गए हैं तो सब कुछ आपको जो है जल्दी से रिकॉल हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मटेरियल ऑफ डेली यूज इंट्रोडक्शन। और इसमें हमने देखा था कि जो है कपड़े आपकी क्यों जरूरी है, आप क्यों कपड़े पहनते हैं, है ना, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशन, आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस करने के लिए, ब्यूटी इन्हांस करने के लिए, और जो है सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो है इंसेक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इंसेक्ट बाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के हिसाब से, ठीक है, स्टेट्स कंट्रीज के हिसाब से जो है क्लॉथ्स आपके बहुत सारे वेराइटी के हैं, और वो क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पहले जो है लोग कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से जो है एनिमल स्किन वगैरह पहना करते थे, फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या किया, ग्रास वगैरह से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया थ्रू द हार्श वेदर ड्यू, ओके। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नीडल का जो है इन्वेंशन हुआ, है ना, सुई का इन्वेंशन हुआ, नीडल का इन्वेंशन हुआ, उससे फिर लोगों ने क्या किया जो है आपके फाइबर्स को स्पन करना चालू किया, एंड फिर उससे जो है क्लॉथ्स की वेविंग और निटिंग स्टार्ट हुई, यानी कि क्लॉथ्स को जो है उन्होंने बुनना स्टार्ट किया, सिलना शुरू किया, है ना, उससे क्या बने आपके क्लॉथ्स बने, और फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, क्लॉथ्स पहनने स्टार्ट किए, ठीक है। तो आपको बहुत सारे वैरायटी के क्लॉथ्स मिलेंगे, जैसे जैसे आप जो है कहीं शॉप पे जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्लॉथ्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट उनका टेक्सचर होगा, उनका मटेरियल होगा, और आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहनी जाती है वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से, ठीक है। आजकल जो है सब जगह ड्रेसेस जो है कॉमन हो चुकी है, सब जो है हर जगह का कल्चर फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। पहले पर्टिकुलर यानी कि पहले के टाइम की बात करें तो आपको जो है उस टाइप की ड्रेस उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही दिखती थी, है ना, यानी कि आप जो है अगर आपको राजस्थानी ड्रेस चाहिए तो राजस्थान में आपको जो है उस टाइप के लोग दिखेंगे जो उस टाइप की ड्रेस पहनते हैं, अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ कुर्ते पजामे में और जो है आपको सलवार सूट के अंदर जो है दिखेंगे लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट आप जब एरिया में जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल क्लॉथ्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इन सारे क्लॉथ्स मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, आपका फैब्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है। ऑल दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड वर फैब्रिक्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से ये बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है फाइबर से बने होते हैं, कौन कौन से फाइबर से बने होते हैं, या फिर फाइबर क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। फाइबर क्या होता है, आपका मटीरियल होता है, ठीक है, मटीरियल दैट इज यूज टू मेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथिंग, जिससे आपकी क्या बनती है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की क्लॉथिंग बनती है, है ना, जैसे कि हो गया कॉटन, वूल, जूट और आपका सिल्क, ये चार मेन टाइप के जो है आपके फाइबर्स हैं जो बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इफ यू गो टू अ क्लॉथ शॉप, ठीक है, टू बाय अ क्लॉथ फैब्रिक, ठीक है, आप जो है वहां से कुछ फैब्रिक लेते हैं, आप देखेंगे कि वो किसका होगा, या तो सिल्क का होगा, कॉटन होगा, और सो ऑन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के आपको जो है क्लॉथ्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक पीस सेलेक्ट कीजिए और किसी भी कॉटन क्लॉथ का, और उसमें से जो है स्ट्रैंड निकालने की कोशिश कीजिए, और फिर निकालने के बाद उसे क्या करिए, अनट्विस्ट कीजिए, ठीक है, उसमें से एक स्ट्रैंड निकालने के बाद आप उसे अनट्विस्ट करेंगे, अनट्विस्ट करने पर आप देखेंगे कि वो किससे मिलके बना हुआ है,
फाइबर्स से मिलके बना हुआ है। किससे? फाइबर्स से मिलके बना हुआ है, और वो फाइबर्स किसके हैं? कॉटन के हैं। जिस टाइप का आपने क्लॉथ लिया है, वूलन क्लॉथ लिया है, उसकी फाइबर को अनट्विस्ट किया है, तो वो वूलन जो है फाइबर से मिलके बना है। ठीक है, तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर योर लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड अदर यूजफुल मटीरियल। ठीक है, फाइबर्स को पहले आप क्या करते हो? फाइबर्स को आप स्पन करते हो, ठीक है, उन्हें ट्विस्ट करते हो, ट्विस्ट करके उनका यार्न में कन्वर्ट बनाते हो, ठीक है, उनको यार्न में कन्वर्ट करते हो, उनका यार्न बनाते हो, फिर उसके बाद से जो है लास्ट में आपका उससे फैब्रिक बनता है। ठीक है, यानी कि फाइबर को आप क्या करते हो? ठीक है, आपका कॉटन फाइबर है, ठीक है, फाइबर आपने ऑब्टेन किए कॉटन बॉल्स से, और फिर उनको आप स्पन करके क्या करते हो? यार्न में कन्वर्ट करते हो। यार्न में कन्वर्ट करने के बाद you convert them into the fabric, okay, different type of की fabric और different colors की, ठीक है, उसके अंदर जो है यहाँ पर dye की जाती है। So they first converted into yarn which are longer, thicker and stronger. We use these yarns to make fabric. हम इस yarn से क्या बनाते हैं? Fabric बनाते हैं। क्या बनाते हैं? Fabric, ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीन प्रोसेसेस जो मेनली यूज होती है आपका फाइबर से फैब्रिक बनाने के अंदर, ठीक है, यार्न से, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? उसको फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। फाइबर को पहले क्या किया जाता है? स्पन किया जाता है थ्रू स्पिनिंग, ठीक है, इस चरखे के थ्रू उसको जो है यार्न के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर उस यार्न की क्या होती है? निटिंग होती है या फिर वेविंग होती है, दोनों में से एक प्रोसेस होगा, ठीक है, या तो उसे निट करके जो है फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर जो है उसको वेविंग करके फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? निटिंग एंड वेविंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ फैब्रिक, सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सोर्सेज डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट फाइबर में आते हैं आपके कॉटन और जूट, और एनिमल फाइबर्स के अंदर आते हैं आपके वूल एंड सिल्क। ठीक है, तो डिफरेंट जो है फाइबर्स के सोर्सेज हो सकते हैं डिफरेंट, और इन सब के अलावा भी, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी जो है आपके फाइबर्स ऑप्टेन किए जाते हैं, और वो किससे ऑप्टेन होते हैं? क्रूड ऑयल से, और इन्हें हम बोलते हैं क्या? सिंथेटिक फाइबर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स आपके क्या होते हैं? जो पेट्रोकेमिकल्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, उनका रॉ मटेरियल क्या होता है? पेट्रोकेमिकल। ठीक है, कॉटन जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क मॉथ। ठीक है, वी गेट, सो दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड योर नेचुरल फाइबर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से हमें मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल और द प्रोसेस्ड ऑफ योर केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि ये क्या है? मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, और यार हम बोले कि ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, इन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमिकल। सो ये आपके जो है सारे, दैट इज योर काइंड ऑफ फाइबर्स। ठीक है, फाइबर को हमने क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, एक है आपका नेचुरल फाइबर और एक है आपका सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर इज सब डिवाइडेड इंटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट फाइबर जो होते हैं आपके, वो कहाँ से आपको मिलते हैं? कॉटन और जूट से, जो कि मेनली है। ठीक है, बहुत ही लार्ज स्केल में बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं कॉटन और जूट, जो ऑप्टेन किए जाते हैं कहाँ से? प्लांट फाइबर्स से। ठीक है, एनिमल फाइबर्स आपके कहाँ से ऑप्टेन होते हैं? वूल और सिल्क से। कहाँ से ऑप्टेन होते हैं? वूल और सिल्क से ऑप्टेन होते हैं आपके एनिमल फाइबर्स। इन्हें हम बोलते हैं आपके नेचुरल फाइबर्स। प्लांट से ऑप्टेन हो चाहे एनिमल से हो, यानी लिविंग बींग से ऑप्टेन हो रहे हैं, इसलिए ये जो है नेचुरल सोर्स है, नेचुरल फाइबर है। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स आपके ऑप्टेन होते हैं कहाँ से? पेट्रोकेमिकल से। कहाँ से? पेट्रोकेमिकल्स से। ओके, तो ये क्या है आपके? ये आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, और बोल दें कि क्या ये है आपके मैन मेड। ओके, मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। ठीक है, इसके एग्जांपल है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, स्पैंडेक्स। ठीक है, तो ये सारे एक्रेलिक, ये सारे क्या है? एग्जांपल्स हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स के, जो कि
केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं को जो है हम लेटर स्टेजेस में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी क्लास सिक्स में आपके जो दो मेन फाइबर्स हैं वो हैं आपके दैट इज कॉटन एंड जूट। ठीक है, कॉटन और जूट आपके क्लास सिक्स के अंदर जो है डिटेल के अंदर है। थोड़ा थोड़ा आपका जो है एनिमल फाइबर का भी इंट्रोडक्शन है और सिंथेटिक फाइबर का भी इंट्रोडक्शन इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्लांट फाइबर और नेचुरल फाइबर्स से। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर थ्रू द प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। तो प्लांट फाइबर आपके फर्दर क्लासिफाइड है तीन कैटेगरी के अंदर, दैट इज बास्ट फाइबर, लीफ फाइबर और फ्रूट फाइबर। ठीक है, यानी कि ये जो है प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट थिंग से ऑप्टेन किया जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट से ऑप्टेन किए जाते हैं। कुछ लीव से ऑप्टेन किए जाते हैं, कुछ फ्रूट से ऑप्टेन किए जाते हैं, कुछ स्टेम से ऑप्टेन किए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। चलिए प्लांट फाइबर को पहले डिटेल में पढ़ते हैं। प्लांट फाइबर्स आर द फाइबर्स ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट। ठीक है, इंक्लूडिंग द कॉटन, जूट, हेम्प, कॉइल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके जो है प्लांट फाइबर्स हैं। द फाइबर्स विच आर फाउंड ऑन सम पार्ट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। ठीक है, प्लांट फाइबर्स आपको जो है प्लांट्स के अलग अलग चीजों से मिलते हैं। ठीक है, कॉटन फाइबर्स जैसे कि फाइबर ऑन इट्स सीड्स। ठीक है, उसके सीड्स के ऊपर फाइबर्स होते हैं। कॉटन हैज फाइबर्स ऑन इट्स फ्रूट, कोकोनट, सॉरी, कोकोनट हैज फाइबर्स ऑन इट्स फ्रूट। ठीक है, वो क्या है, एक फ्रूट फाइबर है। कोकोनट जो है, कोकोनट ट्री पे फ्रूट लगता है कोकोनट, उसी से आपको जो है कॉटन कोकोनट फाइबर मिलता है। ठीक है, बनाना ट्री हैज फाइबर ऑन इट्स लीव्स। ठीक है, बनाना ट्री की कुछ इस तरीके की जो है लंबी लंबी लॉन्ग लीव्स होती है, उससे जो है फाइबर्स निकाले जाते हैं। और फ्लैक्स एंड जूट हैव फाइबर्स ऑन देयर स्टेम। फ्लैक्स और जूट के फाइबर्स उनकी स्टेम से लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे इसी तरीके से प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्ट्स से डिफरेंट डिफरेंट आपको फाइबर्स ऑप्टेन होते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमने इन्हें तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्लांट फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू फ्रूट फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स एंड लीफ फाइबर्स। ठीक है, बास्ट फाइबर, फ्रूट फाइबर्स वो होते हैं जो प्लांट के फ्रूट से ऑप्टेन हो। ठीक है, जैसे कि कॉटन एंड कॉयल। ठीक है, कॉयल आपका जो है कोकोनट फाइबर है। ठीक है, कॉयल को आप जो है कोकोनट फाइबर भी बोलते हैं ना। और दीज फ्रूट ऑफ दीज प्लांट्स आर यूजुअली लाइट एंड हेयरी एंड अलाउ विंड टू कैरी द सीड्स। ओके, ऐसे ही आपके बास्ट फाइबर हैं। बास्ट फाइबर मतलब जो स्टेम से ऑप्टेन होते हो। कहाँ से ऑप्टेन होते हो, स्टेम से जो फाइबर्स ऑप्टेन होते हैं वो आपके बास्ट फाइबर्स होते हैं। लीफ फाइबर्स आर ऑप्टेन फ्रॉम लीफ आर रफ एंड स्टर्डी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीसल जो है आपका वो मॉइस्चर रिटेन कर लेता है और रोप्स वगैरह बनाने में काम आता है, कारपेट्स वगैरह बनाने में काम आता है। ठीक है, दैट इज योर लीफ फाइबर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है आपका दैट इज कॉटन। कॉटन वी स्टडी इट इन डिटेल और इसके अंदर हम देखते हैं क्या होता है आपका कॉटन, किस तरीके से ग्रो किया जाता है, क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके लिए रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप इसे ग्रो करते हैं। कॉटन इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर नेचुरल फाइबर। कॉटन क्या है, वर्ल्ड का मोस्ट नेचुरल जो है आपका फाइबर है, प्लांट फाइबर है। ठीक है, इट इज कंसिडर अनडिस्प्यूटेड एंड इट इज ऑप्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कहां से ऑप्टेन होगा, ऑब्वियस सी बात है कॉटन प्लांट से आपका ऑप्टेन होगा। एंड कॉटन प्लांट्स बियर फ्रूट कॉल्ड कॉटन बॉल्स। ठीक है, इस तरीके की जो है बॉल्स आती हैं उसके ऊपर, ठीक है, फाइबर्स की, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ठीक है, दीज बॉल्स, ठीक है, बर्स्ट आउट एक्सपोजिंग द सीड्स एंड द सराउंडिंग बाय कॉटन फाइबर। ठीक है, यानी कि फ्लावर की तरह का, दिखने में फ्लावर की तरह का लगता है। ठीक है, क्या आपका फ्रूट फाइबर है, बंद होता है कली की तरह, फिर बाद में जब सीड आता है ये बर्स्ट आउट होता है और उसके अंदर से जो इसके सीड बर्स्ट आउट होते हैं उसके अंदर से जो है फाइबर्स आपके निकलते हैं, कुछ इस तरीके के कॉटन फाइबर्स। ओके, जिन्हें हम जो है कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। इट इज कल्टिवेटेड वेयर वार्म एंड सनी वेदर स्टेट्स फॉर एटलीस्ट हाफ अ ईयर। कब जो है कहां पे इसे उगाया जाता है, जहां पे आपका वार्म एंड सनी वेदर रहे कब, फॉर एटलीस्ट हाफ अ ईयर। ठीक है, यानी कि साल के 6 महीने जो है वहां पर क्या रहे, आपका वार्म एंड सनी वेदर रहे। और कॉटन प्लांट रिक्वायर वार्म टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो है टेम्परेचर रिक्वायर है 21 to 27, और बाय द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इसके लिए जो है 50 to 80 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है, ये इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है। ब्लैक सॉइल के अंदर जो है ये बहुत अच्छा ग्रो होता है। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए। इट हैज द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल की एबिलिटी है कि वो जो है मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन रखती है। व्हेन कॉटन क्रॉप्स ग्रोज टू मेच्योरिटी द सीड्स विद देयर फाइबर्स आर हार्वेस्टेड। जब ये मेच्योरिटी में आ जाते हैं यानी कि अच्छे से ग्रो हो जाती है, फिर उसके बाद इनकी कॉटन बॉल्स को जो है प्लक कर लिया जाता है विद देयर सीड्स। ओके, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर सीड्स ऑफ द रॉ कॉटन। ठीक है, उसके अंदर से जो है फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है, सीड्स को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, कॉटन सीड्स रिमेन आफ्टर कॉटन इज सेपरेटेड एंड बाय द कॉमिंग। ठीक है, इसके लिए जो है गिनिंग प्रोसेस यूज होती है ना, और उसके जो है सीड्स अलग कर लिए जाते हैं कॉटन फाइबर्स के अंदर से। उस सीड का जो है हम क्या निकाल लेते हैं, ऑयल निकाल लेते हैं, जिसे हम जो है सीड ऑयल बोलते हैं, और उसे जो है फिर वेजिटेबल ऑयल के रूप में काम लिया जा सकता है। नॉर्मली जैसे हम जो है और वेजिटेबल ऑयल खाते हैं, उसी तरीके से उसे भी जो है खाने के अंदर यूज लिया जाता है। कॉटन सीड का जो बच जाता है कचरा, दैट इज मील, उसे हम क्या बोलते हैं, खल बोलते हैं, और वो जो है लाइव स्टॉक्स यानी जानवरों को खिलाने के काम में भी लिया जाता है। ठीक है, यानी कि वो वेस्ट नहीं होता, उससे भी जो है आप एनिमल फीड के अंदर, एनिमल मील के अंदर जो है काम ले सकते हैं। कॉटन आपका मेनली कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर ग्रो किया जाता है, कहाँ पर ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है मेनली स्टेट हैं, और जो है चाइना, इंडिया और आपका दैट इज योर सदर्न यूएस, वहां पर ज्यादा कॉटन का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, सो दीज आर वर द मेन पॉइंट्स ऑफ योर कॉटन फाइबर्स। ठीक है, तो अब इसकी स्टेप्स आती हैं, किस तरीके से जो है इसे प्रोसेस किया जाता है, किस तरीके से इसमें से जो है आपका कॉटन फाइबर से आपका फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, पहले आप क्या करते हैं, उसमें से पिकिंग करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से उसकी कॉटन बॉल्स को जो है प्लक आउट करते हैं, फिर गिनिंग प्रोसेस से उसको जो है सीड्स को सेपरेट आउट करते हैं कॉटन बॉल्स के अंदर से, कुछ इस तरीके से कॉमिंग से। ठीक है, आप जो है ऐसे ऐसे करके उसमें, आजकल मशीन से करते हैं लेकिन पहले जो है हाथ से किया करते थे, तो उसमें से जो है उसके सीड्स को अलग कर लेते हैं और फाइबर्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जो है उसे आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, उसकी फिर क्या होती है, फाइबर्स की स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग पहले दो तरीके से होती थी, ये है चकली और ये है चरखा, जो है गांधी जी ने इन्वेंट किया था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट किया था उन्होंने, और उसमें जो है उन्होंने चरखा चलाया था, जिससे जो है उन्होंने फाइबर बनाया था, फाइबर से मतलब यान बनाया था, सॉरी। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपकी स्पिनिंग बोलते हैं, जहां पे क्या करते हैं हम फाइबर से जो है फाइबर्स को यान में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग दो तरीके से की जाती है, एक तो टकली से और एक चरखे से। आजकल जो है मशीनरी से की जाती है, लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन होता है, यानी कि लार्ज स्केल पे यान बनाए जाते हैं, तो वो जो है मशीनरीज की हेल्प से आपकी स्पिनिंग की जाती है। ठीक है, तो तीन चीजें आपने देखी है इसमें, जो है पिकिंग, गिनिंग और स्पिनिंग। स्पिनिंग के बाद आता है आपका क्या, वेविंग, यानी कि यान से जो है फैब्रिक कैसे बनेगा, वेविंग से और निटिंग से। ये जो है कॉमन प्रोसेस है, वेविंग एंड निटिंग। वेविंग के अंदर क्या करते हैं, आप हैंडलूम यूज करते हैं या फिर पावर लूम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से आप उसको जो है यान्स को कंबाइन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी जो है आप उन्हें डाई करके कंबाइन करते हैं, जिससे आपका दैट इज फैब्रिक इज मेड। ओके, तो इसके अंदर जो है एक तो जो होता है आपका वर्टिकल शेप में होता है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल शेप में। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर जो है वेविंग करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और एक जो है दूसरी शेप में, यानी क्रिस क्रॉस शेप के अंदर जो है इसके अंदर वेविंग की जाती है।
निटिंग में क्या होता है, निटिंग में एक ही जो है आपका यार्न रहता है और उसी से जो है पूरा आपका फैब्रिक बनता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, निटिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न, इसमें यार्न एक ही रहता है, ठीक है, इसमें जो है दो तीन डिफरेंट आप नहीं लेते हैं, एक से ही जो है पूरी चीज उसके अंदर से उसको बनाते हैं, निट करते हैं, कुछ इस तरीके से आपने घर में देखा होगा अपने बड़े बुजुर्गों को, ठीक है, नानी दादी को देखा होगा बनाते हुए क्या, स्वेटर्स वगैरह। यूजेज ऑफ कॉटन, कॉटन कहाँ कहाँ पे यूज आता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग साड़ी, शर्ट, बैग, बेडशीट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें, और इट इज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, समर्स में इसे जो है पहना जाता है ज्यादा, एंड कॉटन सीड्स आफ्टर सेपरेटिंग उसका मील भी जो है उसको वेजिटेबल ऑयल के अंदर जो है यूज लिया जाता है, कॉटन सीड्स का वेजिटेबल ऑयल या फिर बोले कॉटन सीड ऑयल जो है निकाल लिया जाता है, और फिर जो मील बचता है वो लाइव स्टॉक्स को फीड करने में काम आता है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, जूट। जूट भी आपका क्या है, प्लांट फाइबर है, और ये प्लांट फाइबर जो है गोल्डन कलर का होता है, एंड इट इज सिल्की गोल्डन शाइन, एंड हेंस इट इज प्रॉपरली नोन एज गोल्डन फाइबर, इसे जो है गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। कैसा होता है, लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर, ठीक है, एंड इट इज द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, बहुत ही ज्यादा सस्ता है, क्या आपका जूट फाइबर, क्या है आपका जूट फाइबर, ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बास्ट और स्किन ऑफ प्लांट स्टेम, ठीक है, जूट प्लांट की जो है स्टेम से इसे लिया जाता है, इसलिए ये क्या है आपका बास्ट फाइबर है, ठीक है, ये क्या है बायोडिग्रेडेबल है, अपने आप जो है डिकम्पोज हो जाता है टाइम के साथ, यानी कि जो है पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है एनवायरमेंट के वे, क्योंकि नेचुरल फाइबर है, ठीक है। जूट प्लांट मेनली ग्रो एट अ प्लेस वेयर हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए होता है, जहां पर बहुत ज्यादा उमस हो वहां पे ये ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है। इसकी सॉइल के लिए जो है सैंड स्लेट, अगर क्ले का मिक्सचर हो, ऐसी कुछ सॉइल हो, तो वहां पर ये बेस्ट ग्रो होगा, ठीक है। जूट इज अ रेनी सीजन क्रॉप, ग्रोज बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, इसके लिए जो है टेम्परेचर रेंज चाहिए वो होगी आपकी 17 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यहां पर जो रेनफॉल चाहिए होगी वो होगी आपकी 120 to 150 mm, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट 85 ऑफ द वर्ल्ड जूट इज योर कल्टिवेटेड एट द डेल्टाज ऑफ गंगा, यानी कि वेस्ट बंगाल की साइड पे जो है ये ज्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है जब ये फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर आ जाता है, यानी कि काफी अच्छा ग्रो हो जाता है, मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है, फिर जो है इसके स्टॉक्स की लॉन्ग स्ट्रेंड्स होती हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रेंड्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, उनको जो है निकाला जाता है, कट किया जाता है और रनिंग वाटर के अंदर रखा जाता है फॉर एटलीस्ट 20 डेज। कब के लिए, फॉर एटलीस्ट 20 डेज के लिए इसको वाटर के अंदर सोक किया जाता है, ठीक है। जूट इज सेड टू हैव थाउजेंड्स ऑफ यूजेस, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स कल्टिवेशन बट बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर यूजेस, ओके, एंड इन इंडिया जूट इज प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल, मेघालय, बिहार, उड़ीसा और असम जैसे स्टेट्स के अंदर आपका जूट फाइबर जो है मेनली ग्रो किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिंग, रेटिंग क्या होती है, द बार्क ऑफ जूट प्लांट इज यूजली ग्लूड टूगेदर बाय अ स्टिकी सब्सटेंस, ठीक है। इसकी जो फाइबर्स हैं, यानी कि जो इसके स्टेम्स हैं, है ना, उसके अंदर फाइबर्स जो हैं जनरली ग्लूड होते हैं, ना, चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं, और उन्हें इसलिए जो है पानी के अंदर रखा जाता है, जिसके वजह से जो है वो ग्लू उसमें से निकल जाए और उनके फाइबर्स जो है सॉफ्ट हो जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, उनको 20 डेज तक पानी में रखने के लिए जो है रूफ टॉप पे डाल दिया जाता है सूखने के लिए, ठीक है, यानी कि गीला हो गया वो ग्लू उसमें से जो है चला गया, फिर वो जो है फाइबर्स आपके अच्छे से सूख जाए, सूखने के बाद उनको जो है फाइबर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है, सूखने के बाद उसमें से फाइबर्स जो है अलग अलग हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, उनको फिर जो है फाइबर्स को अलग अलग करने के बाद उनको जो है इकट्ठा किया जाता है, फिर वापस से वही प्रोसेस होती है, क्या होती है, स्पिनिंग होती है, ठीक है, नेटिंग होती है, या फिर बोलें कि वीविंग होती है,
The harvested stalk of the plant are soaked in water for few days and until they start rotting. ठीक है, जब तक कि वो रॉट ना करने लग जाए उन्हें जो है पानी में रखा जाता है. देन फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड फ्रॉम द रॉटिंग स्टेम. द प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग, है ना. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं. इसमें जब जो है फाइबर्स आपके फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, ठीक है, फ्रॉम द रॉटिंग स्टेम, जो उसमें से है जो फाइबर्स जो है निकाल लिए जाते हैं जब वो खराब होने लगते हैं, तो उसमें से कुछ इस तरीके से जो है ये अलग अलग कर लेते हैं फाइबर्स को और फिर उसे रूफ टॉप पे डाल देते हैं सूखने के लिए. ठीक है, तो उसके बाद उसकी क्या होती है, स्पिनिंग होती है. स्पिनिंग आर मेड इनटू यार्न. स्पिनिंग से जो है उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न टू फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. The strong threads are made from jute fibers, are used in making sacks and helps to sustain the livelihoods of millions. इसकी वजह से जो है बहुत से घर चल रहे हैं, लोग बाग से जो है वहाँ के जो रूरल एरियाज के लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जनरली जूट पे ही डिपेंडेंट हैं. उनकी जो है जूट फाइबर से ही उनका घर चलता है, ठीक है, खाना पानी चलता है. और स्मॉल फाइबर्स स्मॉल फार्मर्स जो हैं आपके जनरली जो है इसे उगा करके बड़ी आसानी से अपना घर चला सकते हैं. ठीक है, इतना महंगा जो है ये, इतना कॉस्ट नहीं पड़ता इसका. ठीक है, जूट किस लिए यूज होता है, कर्टन्स की कवरिंग के लिए, कारपेट्स के लिए और रग्स बनाने के लिए आपका जो है जूट फाइबर यूज होता है. ठीक है, चलिए यूजेस ऑफ जूट क्या हैं आपके. इट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स, कारपेट्स, मैट्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड इट इज यूज टू मेक अ लाइक रैपिंग बेल्ट्स फॉर योर रॉ कटर. ठीक है, इन मेकिंग योर चेयर कवरिंग्स, कर्टन्स और बैग्स और कारपेट्स और अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर क्लॉथ्स. ठीक है, चलिए एनिमल फाइबर. चलिए नेक्स्ट फाइबर है आपका कौन सा फाइबर, एनिमल फाइबर. दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. कहाँ से ऑब्टेन होते हैं ये, हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वूल और सिल्क. ठीक है, वूल और सिल्क आपके कॉमनली जो है एनिमल फाइबर्स हैं. उसमें सबसे पहले आता है आपका वूल. ठीक है, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और हेयर्स ऑफ शीप. ठीक है, यानी कि उसकी फ्लीस और हेयर से जो है आपके वूल निकाला जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल याक, कैमल, कश्मीरी गोट्स, अंगोरा गोट्स और लेमा और एल्पेका. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके जो हैं एनिमल्स से उनके फाइबर्स निकाले जाते हैं, उनके हेयर्स और फ्लीस निकाला जाता है. ठीक है, द फ्लीस इज शेयर्ड. ठीक है, फ्लीस क्या है, फ्लीस को जो है शेयर किया जाता है, वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है एंड देन स्पन इंटू यार्न. उसे किसमें स्पन किया जाता है, यार्न के अंदर. ठीक है, दीज फाइबर्स आर देन वोवन और निटेड टू मेक क्लोथ्स. ठीक है, उन जो है फाइबर्स को फिर निट किया जाता है, वीविंग की जाती है और उससे जो है फैब्रिक और क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. वूल इज अ फ्लेक्सिबल एंड अब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड डर्ट एंड ग्रीस और फ्लेम रेजिस्टेंट. ठीक है, क्या है ये, डर्ट और फ्लेम जो है रेजिस्ट करती है. ठीक है, उससे भी आपको बचाती है. एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग फाइन क्लॉथिंग एंड इन बेडिंग अपहॉलेस्ट्री एंड कारपेट्स. ठीक है, इससे जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं, जैसे कि कारपेट हो गए और आपके जो हैं ब्लैंकेट्स हो गए. ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम वू. नेक्स्ट एनिमल फाइबर इज योर सिल्क. सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है, सिल्क वॉर्म से और फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म. ठीक है, सिल्क मॉथ, सिल्क वॉर्म्स जो हैं कुकून आपका बनाते हैं, उससे आपका सिल्क ऑब्टेन होता है. ठीक है, एंड द कुकून इज बॉइल्ड एंड अनवून्ड टू फॉर्म द फाइबर विच इज देन स्पन. उसे फिर क्या किया जाता है, स्पन किया जाता है, फाइबर्स को लिया जाता है, उसे फिर स्पन किया जाता है, स्पिनिंग की जाती है, फिर वहीं से वापस से निटिंग और वेविंग से जो है उसे क्लॉथ बनाया जाता है. सिल्क जो है इट ड्राइज क्विकली एंड डू नॉट श्रिंक, रिटेन इट्स शेप, ड्रेप्स वेल एंड इट हैज अ नेचुरल शाइन. ठीक है, एंड इट इज इजीली डाइड ऑल्सो. ठीक है, आसानी से जो है इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर बनाया जा सकता है और
ये जो है इजीली वॉशेबल है, ठीक है, श्रिंक नहीं करता, वॉश करने के बाद अपनी शेप को रिटेन करता है और इट ड्रेप्स वेल। अगर आप इसके कर्टन्स बनाए हैं तो आप जो वो फॉल होते हुए आपको जो है बहुत ही सुंदर दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, एंड इट मेंटेन्स इट शाइन। ठीक है, सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू फैब्रिक सच एज सेटिन, वेलवेट, शिफॉन और पीपी एंड ब्रोकेड्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आपके मैन मेड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स आर द ह्यूमन बींग और मैन मेड फाइबर्स एंड आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। किससे मिलके बने होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस प्रोसीड्स फ्रॉम क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल्स यानी कि पेट्रोकेमिकल से जनरली आपके क्या मिलते हैं? आपको सिंथेटिक फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नाइलॉन, अक्रैलिक, स्पेंडेक्स, रेयॉन, ये सारे क्या हैं? आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्या किया जाता है? केमिकल सब्सटेंस को जो है पहले हीट किया जाता है, फिर उसको फाइन पोर्स से गुजारा जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्पिनरिस्ट। स्पिनरिस्ट से उसे जब हम गुजारते हैं, ठीक है, शावर लाइक जो होता है वो, है ना, शावर की तरह होता है, छोटे छोटे उसके अंदर होल्स होते हैं, उसमें से जब हम उस केमिकल को गुजारते हैं, निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपको फाइबर निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, द लॉन्ग थ्रेड्स देन कम आउट फ्रॉम दीज पोर्स एंड अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई। फिर जब उसमें से जो है आपका फिलामेंट निकलता है, ठीक है, वो जो है फाइबर निकलता है, लॉन्ग थ्रेड निकलता है, उसे ठंडा होने दिया जाता है और सॉलिडिफाई होने दिया जाता है। फिर दीज थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न एंड अल्टीमेटली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। उन जो है थ्रेड्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है और फिर अल्टीमेटली उनसे जो है फैब्रिक बनाया जाता है थ्रू निटिंग एंड वेविंग। ओके, द सिंथेटिक क्लॉथ्स आर फॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, डज नॉट रिंकल एंड ड्राइज इजीली। ठीक है, आसानी से जो है वो रिंकल नहीं होते, सूखते नहीं हैं। ठीक है, हाउएवर सिंस दे हैव लेसर एयर स्पेस दिस फैब्रिक डज नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। वो है जो है ज़्यादा स्वेट भी एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए आपको इन्हें गर्मी में नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, ये जो है जैसे ही आपको स्वेट आएगा वो स्टिकी हो जाएंगे तो फिर वो जो है आपको इरिटेट करेंगे। ओके, थस सिंथेटिक फाइबर्स आर यूजुअली मिक्स्ड विद अदर नेचुरल फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल टू मेक क्लॉथ्स। ठीक है, इसे जो है कॉटन और वूल और डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स के साथ इसे जो है ब्लेंड कर लिया जाता है, मिक्स कर लिया जाता है और आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। देयर आर द अदर इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर्स भी हैं आपके इनके अलावा, और वो क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। पहला है आपका कॉयर। कॉयर कहाँ से ऑप्टेन होता है आपको? आपको कॉयर ऑप्टेन होता है कोकोनट ट्री से, कोकोनट प्लांट से आपको ऑप्टेन होता है क्या? कॉयर, एंड इट इज योर फ्रूट फाइबर। कैसा फाइबर है? फ्रूट फाइबर। ओके, कैसा फाइबर है? फ्रूट फाइबर है। ठीक है, कॉयर इज द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम। ठीक है, यूजुअली कोकोनट्स आर लेफ्ट इन वाटर फॉर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, कोकोनट्स को जो है वाटर के अंदर, इसके में भी जो है इनको वाटर के अंदर सोक किया जाता है, थोड़े हार्ड होते हैं। ठीक है, बाहर से उनके फाइबर्स निकालना हार्ड होता है, तो इसे जो है पानी के अंदर रखा जाता है, जिसके वजह से उसके फाइबर्स सॉफ्ट हो जाते हैं और जो है दूर दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बाद में उसे जो है सुखा के फिर उसको स्पन किया जाता है और उसे यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। द हस्क इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द नट्स एंड बीटन विद द वुडन मैलेट्स टू गेट द फाइबर्स। ठीक है, उसके जो बाद में बच जाता है उसको बीट करके जो है फाइबर्स अलग अलग कर लिए जाते हैं। द फाइबर्स थस ऑब्टेन्ड इज देन स्पन एंड डाइड एंड इज रेडी फॉर वीविंग। ठीक है, उनको स्पन करके फिर बाद में दे आर रेडी फॉर व्हाट? वीविंग करने के लिए वो रेडी रहते हैं। कॉयर इज यूज्ड टू मेक सेवरल हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स लाइक रोप्स एंड फ्लोर कवरिंग्स। उससे जो है रोप्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी फ्लोर कवरिंग्स भी बनाई जाती है। सम वेराइटीज आर यूज एज अ
स्टफिंग इन मैट्रेस एंड पिलोज, मैट्रेस और पिलोज के अंदर भी जो है इसकी स्टफिंग की जाती है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन भी जो है आपका एक तरीके का प्लांट फाइबर है, कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, ठीक है। देर इज अनदर प्लांट फाइबर दैट इज कॉमनली यूज फॉर स्टफिंग इन पिलोज, स्लीपिंग बैग्स एंड लाइफ जैकेट्स। दिस फाइबर इज नोन एज योर सिल्क कॉटन। उस फाइबर को हम क्या बोलते हैं? सिल्क कॉटन बोलते हैं। सिल्क कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री, ऑल्सो कॉल्ड कपोक। उसे हम क्या बोलते हैं? कपोक भी बोलते हैं, ठीक है। सिल्क कॉटन जो है आपका प्लांट फाइबर है और इसे हम जो है कपोक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेम्प, हेम्प किस तरीके का आपका जो है प्लांट फाइबर है? हेम्प फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। कहां से ऑब्टेन होता है? हेम्प फाइबर यानी हेम्प प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन होता है। हेम्प फाइबर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स, कारपेट्स, नेट्स, क्लॉथ्स एंड पेपर। हेम्प फाइबर आपका किस लिए बनाया जाता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स, कारपेट्स, नेट्स और क्लॉथ्स एंड पेपर्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है। चल फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स आपका किस तरीके का फाइबर है? फ्लैक्स है आपका फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट और वोवन टू मेक अ फैब्रिक कॉल्ड लिन, ठीक है। यानी कि जो है फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, ठीक है, स्टेम से ऑब्टेन होता है किसके? फ्लैक्स प्लांट के, ठीक है। और इसे जो है लिनिन बनाने के लिए, लिनिन नाम का क्लॉथ है, लिनिन नाम का फैब्रिक है आपका, ठीक है, बहुत फेमस है, वो बनाने के लिए आपका जो है फ्लैक्स फाइबर यूज किया जाता है। फ्लैक्स फाइबर्स आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड हाई क्वालिटी पेपर, ठीक है। रोप्स और हाई क्वालिटी पेपर बनाने के लिए आपका वी यूज फ्लैक्स फाइबर, ठीक है, फ्लैक्स फाइबर हम यूज लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी है जिसके अंदर बताया गया है कि जो है डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स पे अगर हम फ्लेम टेस्ट करें तो वो किस तरीके से स्मेल करेंगे और क्या वो वहां पर फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से वो ऐश जो है वहां पर छोड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी कॉटन और रेयन जो है वो ब्राइट येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए बर्न होते हैं, ठीक है। दे स्मेल लाइक अ बर्निंग पेपर क्योंकि प्लांट फाइबर्स हैं एंड दे देयर ऐश इज लाइट एंड फेदरी, ओके। जो सिल्क और वूल है वो क्या है? एनिमल फाइबर है और दे बर्न विद अ येलो फ्लेम बट डू नॉट कंटिन्यूअसली बर्न, ठीक, कंटिन्यूअसली बर्न नहीं होते, जल्दी से बर्न हो जाते हैं। स्मेल लाइक अ हेयर, बर्निंग हेयर, जैसे कोई आप बाल जला रहे हो उस तरीके की इनकी स्मेल आती है और इनकी ऐश जो है वो ब्लैक और क्रशेबल बीड्स उसकी बन जाती है, ठीक है। और नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो आपके बर्न नहीं होते, क्या होते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनकी कुछ डेफिनेट स्मेल नहीं होती क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से बनाए जाते हैं। देयर ऐश इज हार्ड एंड अनक्रशेबल, ठीक है, मेल्ट होते हैं, बर्न नहीं होते, इसलिए इनकी जो ऐश है वो भी हार्ड हो जाती है और इट इज अनक्रशेबल, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे कि नेचुरल फाइबर्स तो बर्न होते हैं येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए और सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं आपके मेल्ट होते हैं, ठीक है। जब आप उन्हें बर्न करो तो वो मेल्ट हो जाते हैं, बर्न नहीं होते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़े, आपका चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश हो चुका है ना, यानी कि रिविजन आज हमने किया किसका? मटीरियल ऑफ डेली यूज दैट इज क्लॉथ्स, ओके, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक भी बोल देते हो, गलत नहीं होगा। तो आज हमने इसका रिविजन किया, आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो गया होगा, रिकॉल हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। छोटी सी घंटी है, इसको बजा के भाग जाइए, जैसे कि आप और अदर घरों में जो है उनकी डोरबेल, फ्लैट्स के अंदर डोरबेल बजा के भाग जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी छोटी सी बेल है उसको बजा के भाग जाइए ताकि जब भी जो है आपकी क्लास का वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।